ओके तो देखो अभी हो रहा है रात के 8:30 और अभी हम लोग का प्लान बन रहा है बस फॉर मी इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अब तो तुम लोग सब लोग बस मान ही लो भाई कि मेरी किस्मत ही है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज है 23rd of March और अभी हो रहा है सुबह के, एक्चुअली सुबह नहीं दोपहर के 12:30। तो हम लोग तो वैसे उठ तो दोपहर 9:30 गए थे, उसके बाद फिर सब लोग हम लोग नाश्ता सकर के तैयार हो गए और अब भी भैया लोग आए हैं क्योंकि जाहिद आज जा रहा है 23rd को और मैं कल जाऊंगा। तो अभी चलते हैं, जाहिद को छोड़ते हैं। हेलो ब्रो, तो अगर तुमने मेरे इतने सारे ब्लॉग देखने के बाद अगर नहीं जाने हो कि जाहिद सबसे बड़ा गधा है तो हम जान लो, क्योंकि वो जा रहा है और साले वो अपना खुद का बैग लाना भूल गया। वो मेरे भरोसे था भाई कि आशु आएगा तो आशु ब्लॉग बनाते बनाते वो बैग लेते आएगा। भाई कुछ भी बैग उसका तो लेके उसको लेके आना चाहिए ना भाई, ऐसा कैसे। ये बैग तो ले लिया और थोड़े में एक्चुअली मेरा सामान है क्योंकि मेरा लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये मैं तो अभी दे रहा हूँ जाहिद को, इसको लेके चल देगा वो घर। बाकी बस कल तो मैं जा ही रहा हूँ तो फिर कल जाके मैं ले लूँगा। फिलहाल सब नीचे आ चुके हैं, भैया लोग तैयार हो गए तो फिर चलते हैं, पता करते हैं। बाय बाय बाय। तो गाइस अभी जाहिद भाई और भैया लोग सब लोग तो जा चुके हैं कोरबा के, निकल गए सब लोग और मैं तो निकलूँगा नहीं आज क्योंकि आज मेरे को एक दो जगह और जाना है, तो वो तो आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा ही। तो मेरा तो मैं शायद ही कन्फर्म है कि कल ट्रेन सुबह मेरा 8:00 का, तो मैं वहाँ से चल लूँगा। और अभी चलते हैं भाई, पहले भूख लग रही है, अभी खाना बनाते हैं और खाते हैं। ओके तो देखो अभी हो रहा है 8:30 और अभी हम लोग का प्लान बन रहा है कि हम लोग जाते हैं मियाँ द कैट कैफे। तो मतलब लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं दोपहर को सो गया था उस कैफे, और सब लोग लेट उठे और खाना ना खा के फिर सब लोग अभी तो जस्ट मैं ऐसा फ्रेश होके आया हूँ, तो अभी हम लोग तक चलते भाई। तो हम लोग सब लोग 15 मिनट से तैयार होके बैठे हुए हैं और ये आदमी हमेशा लेट करता है, बट कोई बात नहीं अभी तैयार हो चुका है तो अभी जा रहे हैं। तो लगभग और 15 मिनट वेट करवाने के बाद अनुभव फाइनली तैयार हो चुका है और अब चले। बेसिकली ये यहाँ का एक छोटा मार्केट है घर से 5 मिनट की दूरी पे, और अपने वो जो भी चाहिए होते तो हम लोग यहाँ आते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, पर सारी चीज़ें मिल जाती है। उससे बोल रहा गाइस कि कूल होप्स में अनुप को एक फ्लैट लेने के लिए इतना बेहतरीन, इतना प्यारा शानदार, या क्यों नहीं ले लेता अनुप पैसे। अमृतुलिया वाला जगह जहाँ मैं चाय भी नहीं आया। और अभी यहाँ के कैट भाई इतने प्यारे प्यारे, मैं क्या बताऊँ। तो अभी ऑर्डर करते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। ज़रूर रिकमेंड करूँगा अगर सही बताना गाइस, मतलब ये मतलब इतने प्यारे प्यारे कैट्स, मतलब यू शुड विजिट। और अभी हम लोग कैफे से निकलने के बाद अभी लग रही है सबको बहुत ज़ोर से भूख, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शुगर बिरयानी। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस हम लोग शुगर बिरयानी आ चुके हैं और अभी चलते हैं अंदर क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो चलो भाई तो जल्दी कुछ खाते हैं, खाना तो करें और अभी चलते बिलिंग कराने। तो अब तो तुम लोग सब लोग बस मान ही लो भाई कि मेरी किस्मत ही है, सबसे ज़्यादा गंदी मेरी ही किस्मत है
क्योंकि इसके आगे कुछ शूट ही नहीं हो पाता है भाई। हम लोग इसके आगे फिर एक जगह और गए थे, मैं सब सोच ही रखा था कि शूट करना है, ब्लॉग करना है, बट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल रहता है जैसे हम लोग शूट कर रहे थे, उसकी बैटरी डेड हो जाती है, तो उसके आगे तो कुछ शूट नहीं हुआ। उसके बाद फिर अभी जस्ट हम लोग घर पहुँचे हैं, तो यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।